Hi friends, well classes on the topic of blood relations. अब जब हम ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप्स हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो प्राइमरली सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आते हैं आपके मदर और फादर. अब हमेशा आपने याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में नाम के बेस के ऊपर आपने जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करना. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे यहाँ पे अगर रीटा एक लड़की का नाम होता है तो बाय डिफॉल्ट अगर कहीं रीटा मेंशन है तो इट डज नॉट मीन कि जो रीटा है वो बेसिकली लड़की है. जब तक उसके लिए ही शी सन डॉटर ऐसे वर्ड्स ना यूज़ किए जाएँ तब तक हमने अपनी तरफ से नाम के बेस के ऊपर प्रीअज्यूम नहीं करना कि उसका जेंडर मेल है कि फीमेल है. अब अगर हम मदर की तरफ के रिलेशंस की बात करें तो मम्मी के पापा को हम कहते हैं ग्रैंड फादर, मम्मी की मम्मी को हम कहेंगे ग्रैंड मदर, पापा के पापा को हम कहेंगे ग्रैंड फादर और पापा की मम्मी को हम कहेंगे ग्रैंड मदर. अब अगर वो पापा के साइड के हैं तो उनके आगे लग जाएगा पैटर्नल, तो रिलेशनशिप बन जाएगा पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, और मम्मी के साइड के हैं तो मैटर्नल ग्रैंड फादर एंड मैटर्नल ग्रैंड मदर. अब मामा जी, मामी जी, मासड़ जी, मासी जी, इन सबको हम हमेशा कहेंगे अंकल और आंट, और चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, फूफा जी, इनको हमेशा हम कहेंगे आंट एंड अंकल, और भांजे और भतीजों को हम कहते हैं नेफ्यू, और भांजियों और भतीजों को हम कहते हैं नीस. इसके अलावा अगर हम जेंडर के लिए बात करें तो हम पूरे टॉपिक के अंदर जेंडर अगर मेल है तो उसके ऊपर प्लस यूज करेंगे और जेंडर अगर फीमेल है तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे. आई होप सबको ये बेसिक थ्योरी क्लियर हो गई है. वंस द थ्योरी इज क्लियर टू यू देन मूव ऑन विद द क्वेश्चन. अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वुमेन सेड, यानी कि यहाँ पे एक वुमेन आ चुकी है ठीक है जी और एक फोटोग्राफ है. दिस मैन, ये जो फोटोग्राफ है इसमें मैन है तो इसका मतलब इसका जेंडर मेल हो गया. दिस मैन्स सन, इस फोटोग्राफ वाले मैन का जो सन है तो सन का जेंडर भी मेल हो गया. सन, दिस मैन्स सन्स सिस्टर, सन की जो सिस्टर है ठीक है जी, इसकी जो सिस्टर है सिस्टर का जेंडर फीमेल हो गया. इज माई मदर इन लॉ, उसने कहा ये जो मैन है उसका जो सन है, सन की जो सिस्टर है वो इस वुमेन की मदर इन लॉ है, वो इस वुमेन की मदर इन लॉ है. तो इसका मतलब इस सिस्टर का जो सन है ठीक है जी उसकी वाइफ है ये बेसिकली. हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड, वुमेन का जो हस्बैंड है यानी कि ये जो बंदा है वुमेन का जो हस्बैंड है इज रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ, उसका रिलेशनशिप पूछा गया है मैन इन फोटोग्राफ. तो आप देख सकते हो इस मैन की मदर ये, मदर का ब्रदर ये, और ब्रदर के फादर ये. तो बेसिकली इस मैन की मदर के फादर हुए ये, तो बेसिकली ग्रैंड सन बना इसका ठीक है जी, ग्रैंड सन बना इसका. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, दैट इज ग्रैंड सन. आई होप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का सलूशन देखने से पहले आई विल रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि आप एक मिनट इसको पॉज करके इसको सॉल्व करें एंड देन ओनली लुक एट टू द सलूशन. क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टू अ चाइल्ड रीमा सेड टू हरमन, यानी कि इस क्वेश्चन में रीमा आ गई, हरमन आ गया या आ गई. रीमा कहती है आई एम द मदर ऑफ माई हस्बैंड्स चाइल्ड, यानी कि रीमा का जेंडर क्या हो गया, फीमेल क्योंकि वो मदर है. एंड योर फादर, हरमन को उसने क्या कहा, हरमन योर फादर्स वाइफ इज माई मदर, यानी कि हरमन के फादर की जो वाइफ है वो रीमा की मदर है. अगर हरमन के फादर की वाइफ रीमा की मदर है तो हरमन और रीमा के पेरेंट्स दोनों सेम हुए, हरमन और रीमा के पेरेंट्स दोनों सेम हुए. अब क्वेश्चन कहता है हाउ इज रीमा रिलेटेड टू हरमन, रीमन का रिलेशन क्या है हरमन के साथ. अब रीमा और हरमन के पेरेंट्स सेम हैं और रीमा फीमेल है तो रीमा उसकी क्या लगी, सिस्टर, रीमा उसकी क्या लगी, सिस्टर. मैं व्यूअर्स यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर मेरे से क्वेश्चन में रिवर्स पूछा होता कि हाउ इज हरमन रिलेटेड टू रीमा, तो अगर हरमन रिलेटेड टू रीमा के बारे में पूछा होता तो ईदर ऑप्शन वुड हैव बीन ब्रदर
और इट हैव बीन सिस्टर, क्योंकि हमें हरमन का जेंडर नहीं पता। तो इन केस अगर सिर्फ ब्रदर अवेलेबल होता ऑप्शंस में तो आंसर वुड हैव बीन ब्रदर, अगर सिर्फ सिस्टर अवेलेबल होता ऑप्शन में तो आंसर वुड हैव बीन सिस्टर, अगर दोनों अवेलेबल होते तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमिंड, क्योंकि हमें हरमन का रिलेशनशिप नहीं पता, उसका जेंडर नहीं पता हमें। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए प्लस बी का मदर क्या मतलब है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, और ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी। ए डिवाइड बाय बी का मतलब दे रखा है ए इज मदर ऑफ बी, और क्वेश्चन पूछ रखा है जी इज द सन ऑफ एच। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें देगा जी इज सन ऑफ एच। अब इसमें अगर आप देखो, आपको एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस करना पड़ेगा। आप हमारे बाकी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि वहां पे हमने एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस की टेक्निक को यूज कर रखा है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को यूज करूं, व्यूअर सबसे पहले तो देखिए इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जुड़े हुए हैं, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने कभी भी इसमें कुछ मैथमेटिक्स का नहीं लगाना। यू हैव टू सॉल्व द ऑप्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जैसे मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एच क्रॉस आई क्रॉस जी। तो सबसे पहले एच क्रॉस आई को अगर हम सॉल्व करें, क्रॉस का मतलब क्या है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच इज फादर ऑफ जी, अगर फादर है तो उसका जेंडर क्या हो गया प्लस। उसके बाद आई क्रॉस जी, आई क्रॉस जी सॉरी एच क्रॉस आई था यहाँ पे, तो यहाँ पे आई आएगा, और आई क्रॉस जी का मतलब क्या हुआ, आई इज फादर ऑफ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी और एच जो हैं वो दो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, और उनमें एक जनरेशन बीच में आ रही है, तो कभी भी ये फादर सन नहीं हो सकते। हाँ, ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, जी इज सन ऑफ एच। तो फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड ऑप्शन। एच प्लस जी का मतलब क्या हुआ, एच इज ब्रदर ऑफ जी। अब अगर वो दोनों सेम जनरेशन के हैं तो उनको एक लेवल पर ड्रॉ किया हमने, एंड देन जी क्रॉस आई, जी क्रॉस आई मीन्स वॉट, जी इज फादर ऑफ आई। तो अब आप यहां से देख सकते हो जो जी है वो आई का फादर है, और एच और जी जो हैं वो सेम जनरेशन के हैं, तो वो सन या फादर नहीं हो सकते, और वैसे भी कह रखा है कि एच इज ब्रदर ऑफ जी, जो हमारे क्वेश्चन के अगेंस्ट है। अब आपके पास दो ऑप्शन रह गई हैं, थ्री और फोर। लेट अस ट्राई विद द फोर्थ ऑप्शन, एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी का मतलब क्या हुआ, एच इज फादर ऑफ जी, एंड जी प्लस आई का मतलब क्या हुआ, प्लस मीन्स जी इज ब्रदर ऑफ आई। अब आप देख सकते हैं एच फादर है, जी सन है, तो इसका मतलब जी इज सन ऑफ एच, हेंस माय आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन ब्लड रिलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस हैं काफी सारी फोर टू सिक्स के लिए, और इसमें हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी, एंड देन वील सॉल्व द क्वेश्चन एट वन गो। अमित इज सन ऑफ राहुल, अमित सन है राहुल का, अमित इज सन ऑफ राहुल। अमित अगर सन है राहुल का तो लेट अस मार्क राहुल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अमित इज द सन। अमित अगर सन है तो उसका जेंडर मेल हो गया। सारिका राहुल सिस्टर, सारिका जो है वो राहुल की सिस्टर है, तो सिस्टर का जेंडर फीमेल हो गया। हैज अ सन सोनू, उसका बेटा कौन है, सोनू, एंड डॉटर रीटा, डॉटर है उसकी रीटा। राजा इज मेटर्नल अंकल। अब व्यूज याद करिए, मैंने आपको मेटर्नल अंकल का मतलब समझाया था जो मम्मी के साइड के ब्रदर हों। तो राजा इज मेटर्नल अंकल ऑफ सोनू, अगर राजा मेटर्नल अंकल हैं सोनू के, तो सोनू की मम्मी सारिका है, तो सारिका के रिलेटिव कौन हुए, राजा, ठीक है जी, और अंकल वर्ड यूज कर रखा है, तो उनका जेंडर क्या हो जाएगा आपके पास, मेल। अब आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में हमारे पास राहुल ऐसा है जिसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। अगेन कीपिंग इन माइंड दैट हमने नेम के बेस के ऊपर कभी भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना, हमारे लिए राहुल का जेंडर जो है वो अनोनमस रहेगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में नहीं दे रखी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन। क्वेश्चन कहता है हाउ इज अमित रिलेटेड टू सोनू, अमित का क्या रिलेशन है सोनू के साथ।
नाउ आप देख सकते हैं अमित का रिलेशन क्या है सोनू के साथ। अमित के फादर या मदर हैं राहुल, सोनू की मदर है सारिका, और वो आपस में भाई बहन है, वो आपस में भाई बहन है। तो इसका मतलब अमित और सोनू जो हैं वो कजन ब्रदर्स हुए, कजन ब्रदर्स हुए क्योंकि दोनों मेल हैं। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास सेकंड ऑप्शन में कजन ब्रदर दे रखा है। तो लेट अस चेक द आंसर, देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन। सॉल्विंग द नेक्स्ट पार्ट, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू राजा, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू राजा। अब रीटा का रिलेशन क्या है राजा के साथ, रीटा की मम्मी सारिका और सारिका का ब्रदर राजा। तो इसका मतलब रीटा जो है वो सारिका के थ्रू उसकी नेफ्यू या नीस लगी। अब आंसर नीस होगा क्यों, क्योंकि इसका जेंडर क्या है फीमेल। तो लेट अस चेक ऑप्शन में हमें क्या नीस अवेलेबल है। तो अब हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में हमारे पास नीस अवेलेबल है, हेंस माय आंसर शुड बी व्हाट, थर्ड ऑप्शन नीस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेफ्यूज डज राजा हैव, राजा के कितने नेफ्यू हैं, राजा के कितने नेफ्यू हैं। तो अब आप देख सकते हो राजा जो है वो सारिका का ब्रदर है, सारिका जो है वो राहुल की सिस्टर है। तो इसका मतलब राहुल, राजा जो है वो राहुल का भी ब्रदर होगा, और उनके जो बच्चे हैं वो उसके क्या लगेंगे, नेफ्यू या नीस। अब क्वेश्चन में हमें नेफ्यू पूछ रखा है तो हम रीटा को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें नेफ्यू चाहिए और नेफ्यू कौन होते हैं मेल। तो बेसिकली उसके पास दो नेफ्यूज आ रहे हैं। तो लेट अस चेक कि ऑप्शन में हमारे पास दो नेफ्यूज का ऑप्शन है। तो हम देख सकते हैं यस हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में दो नेफ्यूज का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है जी, आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका एक पार्ट और है, दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ राजा एंड रीटा। तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगा डायग्राम के ऊपर, हमें पता है कि रीटा की मम्मी है सारिका और सारिका का ब्रदर है राजा। तो बेसिकली मम्मी का जो ब्रदर होता है वो मामा जी लगते हैं, और मामा जी को इंग्लिश में हम कहते हैं मेटरनल अंकल, हेंस माई आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले काइंडली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए एंड देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है देर आर सिक्स पर्सन्स S1, S2, S3, S4, S5, S6, यानी कि छह लोगों के बारे में वो बात कर रहा है। S3 इज सिस्टर ऑफ सिक्स, अब थ्री इज सिस्टर ऑफ सिक्स, थ्री सिस्टर है सिक्स की, तो सिस्टर है तो जेंडर फीमेल हो गया। टू इज ब्रदर ऑफ फाइव हस्बैंड, टू इज ब्रदर ऑफ, टू जो है वो ब्रदर है किसका, फाइव के हस्बैंड का। अब अगर किसी का हस्बैंड है तो डेफिनेटली वो फीमेल होगी, तो इसका मतलब ये जो बीच में अननोन बंदा है ये मेल हो गया। टू जो है वो ब्रदर है फाइव के हस्बैंड का, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। फोर इज फादर ऑफ वन, फोर इज फादर ऑफ वन, फोर जो है वो फादर है किनका, वन का, और ग्रैंडफादर है किसका, सिक्स का। तो इसका मतलब फोर अगर ग्रैंडफादर है तो उसका जेंडर भी फीमेल हो, मेल हो गया। अब आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दो फादर्स चाहिए, एक मदर चाहिए और तीन ब्रदर चाहिए। ठीक है जी, तो अब पूरे क्वेश्चन में हमें इसकी सेटिंग करनी है, पूरे क्वेश्चन में हमें इसकी सेटिंग करनी है। नाउ लास्ट कंडीशन की वजह से ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चले जाता है, ये हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चले जाता है। अब अगर मैं इन दो कंडीशंस को ज्वाइन करूं, इन दो कंडीशंस को, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 3-6 के साथ रिलेट हो चुका है, 2-5 के साथ रिलेट हो चुका है, 4-6 के साथ रिलेट हो चुका है, ये 1 बीच में कहीं आ रहा है, मैरिड भी है कोई बंदा, तभी उसका आगे बच्चे भी हो रखे हैं। तो लेट अस ट्राई टू पुट एन ओवर हेयर, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो 1 उसके ऊपर और 4 जो है वो ग्रैंड जनरेशन में मेल के साथ। अगर मैं 2 को इसका ब्रदर मान लूं, हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है, तो 5 उसकी वाइफ हो गई, 5 उसकी वाइफ हो गई। अब देखते हैं क्या दो फादर्स की कंडीशन जनरेट हो रही है। आप देख सकते हैं 4 फादर निकला 1 का और 1 फादर निकला 6 का, तो इसका मतलब 4 और 1 जो है वो फादर बन गए। अगर 1 जो है वो फादर है 6 का, 1 की वाइफ कौन है, 5, तो 5 6 की मदर हो गई, 5 6 की मदर हो गई, तो 5 हमारे पास मदर हो गई। अब लास्ट कंडीशन 3 ब्रदर्स, हम देख सकते हैं 3 ब्रदर्स, अब 2 ब्रदर है 1 का और 1 ब्रदर है 2 का,
तो इसका मतलब हमारे पास दो ब्रदर्स तो हो गए, दैट इज टू एंड वन। अब अगर मैं सिक्स को मेल मान लूं तो थ्री सिस्टर है सिक्स की, तो सिक्स ब्रदर हो गया थ्री का, तो इसका मतलब हमारे पास 216 जो है वो क्या निकले, ब्रदर। एक बार इसको स्टॉप करके दोबारा अच्छे से इसको देखिए, वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू दी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज एस फाइव हस्बैंड। तो अगर हम फ्लो चार्ट में देखें फाइव का हस्बैंड हमारे अकॉर्डिंगली कौन है, वन। तो लेट अस ट्राई टू मार्क द आंसर, दैट इज वन, थर्ड ऑप्शन। हु इज द मदर, मदर कौन है। तो अगर हम देखें हमारे लिए मदर यहां पे कौन थी, फाइव। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर, फाइव, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर। कितने मेल मेंबर्स हैं हमारे पास, वन मेल मेंबर, टू, थ्री, फोर। सो लेट अस चेक वेदर फोर इज देयर इन द ऑप्शन। आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन है, हेंस माई आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन सोनी सेड, पॉइंटिंग टू अ मैन सोनी सेड। पॉइंटिंग टू अ मैन सोनी सेड, यानी कि यहां पे कौन कौन आ गया, सोनी और एक मैन। पॉइंटिंग टू अ मैन सोनी सेड ही इज द सन। अब देखिए ही वर्ड यूज किया है मैन के लिए, तो मैन का जेंडर हो गया मेल। ही इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर, ये किसके सन है, ओनली ब्रदर के, ऑफ माई ग्रैंड फादर्स डॉटर, यानी कि सोनी के ग्रैंड फादर, उनकी डॉटर, ग्रैंड फादर का मतलब मेल, डॉटर का मतलब फीमेल, उनके जो ओनली ब्रदर हैं यानी कि मेल, ये मैन क्या है उनका सन, ये मैन क्या है उनका सन। हेंस हमसे पूछा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू सोनी, मैन का रिलेशन क्या है सोनी के साथ। तो अब आप देख सकते हैं मैन का रिलेशन क्या है सोनी के साथ। अब यहां पे आप देखिए सोनी के ग्रैंडफादर और इस मैन के ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं सेम है, हाँ है ना, और मैन का जेंडर क्या है मेल, तो मेल सोनी का क्या बना, ब्रदर बना। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे टिक कर देंगे थर्ड ऑप्शन, बट आप देखिए यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है ऑप्शन का, दैट इज कांट से, दैट इज कांट से। अब ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन में कांट से ना होता तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या होता, ब्रदर, तो मेरा आंसर क्या होता, ब्रदर। लेकिन आप देखिए एक ऑप्शन मेरे पास कजन का भी है, ये कजन का क्यों है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में अपने को ये नहीं पता लग रहा कि सोनी जो है वो बेटा है ये बेटी है, और किसकी, क्या वो इस डॉटर की बेटी है बेटा है, क्या वो इस ब्रदर की बेटी है बेटा है। क्योंकि अगर वो दोनों अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे हैं तो आंसर कजन भी तो हो सकता है, ठीक है जी। और मोर और लेस सोनी का जेंडर अपने को पता नहीं है तो डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा, कांट से, ठीक है जी। बट यहां पे सोनी से रिलेशन नहीं पूछ रखा, मैन से पूछ रखा है, तो आंसर ब्रदर या कजन में से एक होगा, बट वी कैन नॉट टिक टू ऑप्शंस, तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। काइंडली पॉज द वीडियो, लुक एट दिस एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि पॉज करके एक बार तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, वंस इट इज डन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन सेज दैट ए इज सन ऑफ पी, ए सन है किसका, पी का, ए सन है किसका, पी का। तो पी, पी का सन कौन हो गया, ए, सन है तो जेंडर मेल हो गया। ए इज सन ऑफ पी, ए इज सन ऑफ पी, पी इज डॉटर ऑफ, पी इज डॉटर ऑफ के, पी इज डॉटर ऑफ के, पी किसकी डॉटर है, के की। तो पी अगर डॉटर है के की तो के ऊपर आ गया और के का नीचे कौन आएगा, पी आ गया। के इज हस्बैंड ऑफ ओ, के किसका हस्बैंड है, ओ का, अगर हस्बैंड है तो जेंडर मेल हो गया। नाउ एंड ओ इज मदर ऑफ ओनली सन एल,
ओ क्या है, मदर है ओनली सन एल की। हाउ इज एल रिलेटेड टू ए, एल का रिलेशन क्या है ए के साथ, एल हाउ इज एल रिलेटेड टू ई। तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है जी, अब एल का जेंडर क्या था आपके पास, मेल था, तो इसका मतलब एल इज रिलेटेड टू ए। अब हाउ इज ए रिलेटेड टू एल, हाउ इज ए रिलेटेड टू एल। अब ए का रिलेशन क्या है एल के साथ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू एल। तो आप देख सकते हैं एल जो है वो उससे ऊपर वाली जनरेशन में है, और ए जो है उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो एल के पेरेंट्स हैं। तो इसका मतलब ए की मदर पी, पी के फादर के की वाइफ यानी कि पी की मदर ओ, और ओ एल जो है वो उनका बेटा है। तो इसका मतलब पी और एल जो है वो ब्रदर सिस्टर हो गए। तो अगर ए जो है वो पी का बेटा है तो एल जो है वो पी का ब्रदर है, और मम्मी का ब्रदर क्या लगेगा उसका, मेटरनल अंकल। हेंस माय आंसर शुड बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर हम देखें सोना इज सिस्टर ऑफ बॉबी, सोना इज सिस्टर ऑफ बॉबी, ये हो गया, बॉबी इज ब्रदर ऑफ संदीप, बॉबी ब्रदर है किसका, संदीप का, एंड संदीप इज सन ऑफ पुष्पा, संदीप सन है किसका, पुष्पा का। व्हाट इज पुष्पा टू सोना, पुष्पा सोना के साथ क्या रिलेशन है। अब सोना का ब्रदर बॉबी, बॉबी का ब्रदर संदीप, संदीप जो है वो सन है पुष्पा का, तो इसका मतलब इन तीनों के पेरेंट सेम हुए। अगर इन तीनों के पेरेंट सेम हुए तो इसका मतलब पुष्पा जो है वो मम्मी या पापा लगी किसकी, सोना की। हेंस हमें पुष्पा का जेंडर नहीं पता, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है बी की, बी इज हस्बैंड ऑफ सी सिस्टर, बी हस्बैंड है किसका, सी की सिस्टर का। तो इसका मतलब सी यहाँ पे है उसकी कोई सिस्टर है, बी उसका हस्बैंड है, और ए जो है वो बी की सिस्टर है। डी इज ओनली सिस्टर ऑफ सी, तो इसका मतलब ये डी हो गई ओनली सिस्टर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन क्या है ए के साथ। अब ए सिस्टर है बी की, डी वाइफ है बी की, तो इसका मतलब ये डी और ए आपस में क्या हुई, सिस्टर इन लॉ। हेंस माई आंसर शुड बी सी ऑप्शन। तो लेटेस्ट चेक हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं इसके, आप देख सकते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। लेटेस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगेन इसको प्लीज एक बार पॉज करके सॉल्व करिए, वंस यू आर डन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है किसका, बी का, ब्रदर है तो जेंडर मेल। नेक्स्ट, बी इज डॉटर ऑफ के, बी डॉटर है किसकी, के की। नेक्स्ट, के इज हस्बैंड ऑफ एल, के हस्बैंड है किसका, एल का, तो एल डेफिनेटली फीमेल होगी। व्हाट इज एल टू बी, अब आप देख सकते हैं बी के फादर कौन है के, और के की वाइफ कौन है एल, तो एल उसकी क्या लगी, मदर। हेंस माय आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष इज ब्रदर ऑफ दिनेश, संतोष ब्रदर है किनका, दिनेश का, ब्रदर है तो जेंडर मेल। दिनेश इज ब्रदर ऑफ परितोष, दिनेश ब्रदर है परितोष का, परितोष इज हस्बैंड ऑफ राम बेटी, अब राम बेटी फीमेल हो गई यहाँ पे क्योंकि परितोष हस्बैंड है। जयलाल इज फादर ऑफ संतोष, जयलाल कौन है, फादर है किनके, संतोष के। वट इज जयलाल टू राम बेटी, तो जयलाल क्या होगा, राम बेटी का। अब जयलाल का बेटा है संतोष, संतोष ब्रदर है दिनेश का, और दिनेश ब्रदर है परितोष का, तो आपस में ये तीन क्या हो गए आपके पास, ये आपस में तीन जो हैं वो ब्रदर्स हो गए, और ये एक ब्रदर की वाइफ है, तो जयलाल के बेटे की वाइफ, ठीक है जी, तो ये आपकी डॉटर इन लॉ हुई जयलाल की। बट उल्टा पूछा गया है कि जयलाल कौन है, तो जयलाल क्या होएगा इनका, फादर इन लॉ। हेंस माई आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, क्यू की जो मदर है, क्यू है कोई, क्यू की एक मदर है वो सिस्टर है किसकी, पी की, वो सिस्टर है किसकी, पी की, एंड डॉटर ऑफ एम, और वो डॉटर है किसकी, एम की। एस इज डॉटर ऑफ पी, एस डॉटर है किसकी, पी की, एंड सिस्टर ऑफ टी, सिस्टर है किसकी, टी की। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम का क्या रिलेशन है टी के साथ। अब आप देख सकते हैं एम का जेंडर हमें नहीं बता रखा,
तो लेकिन यहाँ पे दो जनरेशंस का फर्क आ रहा है एम और टी के बीच में। अगर एम और टी के बीच में दो जनरेशंस का फर्क आ रहा है तो इसका मतलब उनके बीच में हमेशा ग्रैंड वाला रिलेशन ही हो सकता है, बट जेंडर पता नहीं है एम का। हेंस माय आंसर शुड बी व्हाट डी ऑप्शन, दैट इज ईदर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन आप देख सकते हैं इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए हैं। ए प्लस बी का मीनिंग डिफाइन कर रखा है ए इज डॉटर ऑफ बी, ए स्टार बी का मतलब ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब दे रखा है ए इज वाइफ ऑफ बी। अब उसने क्या कहा है, इससे क्या चीज ट्रू है? तो अगर हम यहाँ पे आप देखें पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू का मतलब हुआ हमारे पास पी इज सन ऑफ क्यू, पी सन हो गया क्यू का। नेक्स्ट क्यू माइनस एस का मतलब क्या हुआ, क्यू इज वाइफ ऑफ पी, क्यू इज वाइफ ऑफ सॉरी एस, क्यू अगर वाइफ है तो जेंडर फीमेल और एस क्या हो गया मेल। अब यहां से क्या चीज ट्रू हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन एस इज वाइफ ऑफ क्यू, ये तो गलत है क्योंकि एस इज हस्बैंड ऑफ क्यू। नेक्स्ट एस इज फादर ऑफ पी, एस इज फादर ऑफ पी, आप देख सकते हैं एस इज फादर ऑफ पी आ रहा है, बॉम्बे इज द आंसर। नेक्स्ट पी इज डॉटर ऑफ क्यू, क्या पी डॉटर है, पी तो मेल है भाई, वो डॉटर कैसे हो सकता है। डी ऑप्शन क्यू इज फादर ऑफ पी, क्यू तो फीमेल है तो वो फादर नहीं हो सकती, हेंस माय आंसर इज बॉम्बे, दैट इज बी ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन स्टेज रीटा सेड, अब यहाँ पे कोई मैन है और रीटा है, ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं रीटा और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया मैन। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन रीटा सेड ही इज द ब्रदर, ये ब्रदर है, ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ, ये ब्रदर है किसका, डॉटर का, किसकी डॉटर का, ठीक है जी, डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि रीटा के हस्बैंड, उस हस्बैंड की ये डॉटर और ये भाई साहब उसके क्या है ब्रदर। हाउ इज मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीटा, तो रीटा के हस्बैंड की डॉटर का ब्रदर, यानी कि अगर रीटा हस्बैंड की ये डॉटर हस्बैंड की डॉटर है तो रीटा की भी डॉटर हुई और ये डॉटर का भाई है, तो इसका मतलब रीटा कहीं ना कहीं पेरेंट सेम है इस मैन और डॉटर के, तो इस डॉटर की मम्मी रीटा है, तो इसका मतलब मैन की मम्मी भी रीटा हुई, हेंस मैन क्या हुआ उसका सन, दैट इज ए ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर हो गया है कंसेप्ट ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइस, ठीक है जी, सरोज सेड, सरोज है और एक मैन है जिसको प्राइज मिल रहा है, ही इज द ब्रदर, ये ब्रदर है, ठीक है जी, ये मैन क्या है, ये मैन क्या है ब्रदर है, ब्रदर है तो किसका ब्रदर है, ऑफ माई अंकल्स डॉटर, यानी कि सरोज, सरोज के अंकल, अंकल की डॉटर, डॉटर का ये क्या है ब्रदर। हाउ हु इज मैन टू सरोज, मैन कौन है सरोज का, तो अब देखो आप देख सकते हो सरोज के अंकल इस मैन के फादर हैं, तो इसका मतलब सरोज और मैन आपस में क्या हुए कजिन्स। लेट अस चेक द आंसर, ए ऑप्शन था पहले का और दूसरे का डी ऑप्शन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ आशा सेड, आशा यहां पे है, मैन भी है यहां पे, ही हिज मदर, इसकी जो मदर है, ठीक है जी, इसके जो मदर हैं वो ओनली डॉटर हैं मेरे मदर की, आशा की जो मदर हैं वो उनकी ये ओनली डॉटर है। तो अब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आशा ये अपने बारे में बात कर रही है, क्योंकि आशा की मदर की एक ही डॉटर है, आशा की मदर की एक ही डॉटर है, ठीक है जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर अपने पास यहाँ पे। अब देखिए आशा जो है वह नॉर्मली इंडियन सिनारियोस के अंदर आशा जो है लड़कियों का नाम होता है, बट अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट, आशा की मदर की एक ही डॉटर है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ये तो नहीं कह रखा कि उसका और कोई बच्चा नहीं है, क्या पता कोई और सन हो और उस सन का नाम आशा हो, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे पुश नहीं कर सकते इस चीज को, हेंस इसलिए हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटर्मिंड, ठीक है जी। अगर आशा के बारे में कह रखा होता फीमेल तो डेफिनेटली ये आशा और
ये आशा आपके पास और ये जो मदर हैं ये सेम हो जाती और आशा अपने बारे में ही बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, ठीक है जी, एक मैन की तरफ पॉइंट करते वुमेन ने कहा हिज मदर, मैन हिज मदर, हिज का मतलब जेंडर मेल, हिज मदर उसकी जो मदर है, ठीक है जी, मदर है जो उसके वो फीमेल हो गए यहाँ पे, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है जी। पॉइंटिंग टू अ वैन, यहाँ पे एक वुमेन है, वुमेन ने क्या कहा इस मैन की जो मदर है, ठीक है जी, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इस वुमेन की मदर है और वो उनकी एक ही डॉटर है। तो आप देख सकते हो ये वुमेन है, वुमेन की मदर के एक ही डॉटर है, तो इसका मतलब ये वुमेन जो है वो अपने बारे में बात कर रही है। तो इसका मतलब मैन, मैन की मदर कौन है वुमेन, और वुमेन की मदर की एक ही डॉटर है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वुमेन इस मैन की क्या लगी मदर, हेंस माय आंसर शुड बी व्हाट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ मैन टू अ लेडी, एक आदमी ने एक लेडी को क्या कहा, लेडी को कहा योर मदर, योर मदर हस्बैंड, योर मदर के जो हस्बैंड हैं, ठीक है जी, उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो सिस्टर है इज माई आंट, ठीक है जी। लेडी को कहा कि आपकी जो मदर हैं उसकी जो हस्बैंड हैं उनकी जो सिस्टर हैं वो मेरी क्या हैं आंट, वो इसकी क्या लग रही हैं आंट। देन हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो लेडी का रिलेशन क्या है मैन के साथ। तो अब आप देख सकते हैं लेडी और मैन जो है वो सेम जनरेशन के हैं, तो अगर वो सेम जनरेशन के हैं तो वो डॉटर नहीं हो सकते, वो मदर नहीं हो सकते, वो आंट नहीं हो सकते, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन। यहां पे आपको ऑप्शन गलत दिया गया है लेकिन आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट इफ टीनाज मदर इज उदयज मदर्स डॉटर, क्या कह रहा है, अगर टीना की जो मदर है, यहां पे टीना है, टीना के मदर, ठीक है जी, टीना के जो मदर हैं वो उदयज मदर्स डॉटर, उदय उदय की मदर, उनके ये क्या है डॉटर, उनके ये क्या है डॉटर है, ठीक है। देन हाउ इज उदय रिलेटेड टू टीना, हाउ इज उदय रिलेटेड टू टीना। अब आप देखिए आंसर फिक्स्ड है तो उदय को हम कहीं ना कहीं मेल मान सकते हैं, ठीक है जी, तो उदय और टीना के अंदर एक जनरेशन का गैप आ रहा है, अगर एक जनरेशन का गैप आ रहा है तो वो ब्रदर नहीं हो सकते क्योंकि ब्रदर हमेशा सेम जनरेशन के होते हैं, ग्रैंड वाले रिलेशंस नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रैंड के लिए हमें कम से कम दो जनरेशन का गैप चाहिए। तो मेरे पास एलिमिनेटिंग द ऑप्शन से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेटर्नल अंकल। 25th क्वेश्चन, हेमा हु इज साहिल्स डॉटर, यानी कि साहिल, साहिल की डॉटर कौन है हेमा, टेल्स अंजलि, अंजलि को उसने क्या बोला, योर मदर्स रेखा, अंजलि, अंजलि के मदर कौन है रेखा, इज यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, इज यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, हु इज थर्ड चाइल्ड ऑफ कैप्टन राठौर, ठीक है जी, यानी कि हेमा के जो फादर हैं, हेमा के जो फादर हैं वो थर्ड चाइल्ड है राठौर जी के, तो दो चाइल्ड और हैं और थर्ड चाइल्ड है राठौर जी के, ठीक है जी। अब हाउ इज कैप्टन राठौर रिलेटेड टू अंजलि, ठीक है जी। अब अगर हम वापस देखें तो अंजलि की मदर रेखा जो है वो यंगर सिस्टर है किसकी, फादर की, तो इसका मतलब कैप्टन राठौर जो है वो कहीं ना कहीं रेखा के भी फादर या मदर हैं, ठीक है जी, फादर या मदर हैं, तो इसका मतलब जो अंजलि है उसके मदर है रेखा और रेखा के मदर या फादर कौन है कैप्टन राठौर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमें पता लग गया है कि अंजलि और कैप्टन राठौर में दो जनरेशन का फर्क है, तो वो फादर नहीं हो सकते, वो ब्रदर नहीं हो सकते, वो फादर इन लॉ नहीं हो सकते क्योंकि फादर के लिए एक जनरेशन चाहिए, फादर इन लॉ के लिए भी एक जनरेशन चाहिए, ब्रदर के लिए सेम जनरेशन चाहिए, हेंस मेरा आंसर क्या होगा सेकेंड ऑप्शन ग्रैंड फादर। व्यूअर्स हमेशा याद रखना इन दोनों क्वेश्चंस में अगर हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमिंड तो हमें वहां पे कैन नॉट बी डिटरमिंड टिक करना पड़ता क्योंकि दोनों के अंदर हमें जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता रखा। तो काइंडली इस चीज का ध्यान रखिए कि बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको टिक करना है।
26 क्वेश्चन, हाउ इज सुरेश ब्रदर ग्रैंड मदर, ठीक है जी, ओनली डॉटर चाइल्ड रिलेटेड टू सुरेश। तो यहां पे बात कर रखी है सुरेश, सुरेश के ब्रदर की, ब्रदर के ग्रैंड मदर की, ठीक है जी। ओनली डॉटर, ओनली डॉटर्स चाइल्ड रिलेटेड टू सुरेश, ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर है, उसके चाइल्ड हैं, ठीक है। उनका रिलेशन क्या है सुरेश के साथ, उनका रिलेशन क्या है सुरेश के साथ। तो अब आप देख सकते हैं सुरेश और ये चाइल्ड जो है वो सेम जनरेशन के आ रहे हैं। तो आंसर ब्रदर, कजिन और सिस्टर्स में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आंसर को सिंपली यहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड हम इसलिए नहीं टिक करेंगे क्योंकि हमें पता है, हमें यहां पे पता है कि सुरेश और चाइल्ड जो हैं वो अलग अलग ऑफस्प्रिंग से आ रहे हैं, अलग अलग ऑफस्प्रिंग से आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर वो सेम ऑफस्प्रिंग से आएंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ठीक है जी। अगर वो सेम ऑफस्प्रिंग से आएंगे तो ब्रदर सिस्टर, क्योंकि सुरेश का जेंडर नहीं पता, और कजिन्स के बारे में भी हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्या पता जो सुरेश है वो इसी डॉटर का बेटा हो या बेटी हो। तो आंसर हमारे पास डायरेक्टली क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन नहीं हम क्यों टिक नहीं करेंगे। हाँ जी, हमारा आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही है आंसर। 27, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन फोटोग्राफ, ठीक है जी, आदमी ने फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट किया, ठीक है जी। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन फोटोग्राफ, अरुणा ने क्या कहा, अरुणा ने फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके क्या कहा कि फोटोग्राफ वाला बंदा क्या है, ही का मतलब मेल हो गया, ही इज द ओनली सन ऑफ, ये सन है किसका, ओनली सन है किसका, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, यानी कि अरुणा की कोई सिस्टर है, सिस्टर का कोई ब्रदर है, ठीक है जी। ये ओनली सन है तो एक ही होगा मेल, सिस्टर का जो ब्रदर है, ठीक है जी, उसके जो फादर हैं उसका ये क्या है, ओनली सन है। तो इसका मतलब हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू अरुणा, तो ये अरुणा का क्या निकलेगा, ब्रदर निकलेगा क्योंकि मेल है, हेंस माय आंसर बिकम्स व्हाट, फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सॉल्व इट वंस। क्वेश्चन कहता है अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी, यहां पे आपके पास है पी क्यू आर एस टी। आई हैज टू सन्स, एन अनमैरिड डॉटर एंड ओनली वन डॉटर इन लॉ, पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ द अबव मेंशन डॉटर इन लॉ, एंड क्यू सिस्टर इज नॉट हैप्पी विद क्यूज वाइफ, P and his father support Q's wife. यहाँ पे आप व्यूअर्स ध्यान रखिए T है, इसको T कर लीजिए आप। T has two sons, ठीक है जी। T के पास क्या है? दो सन है, ठीक है? दो सन है, एक unmarried daughter है, unmarried daughter है, ठीक है जी। और एक क्या है? Daughter in law. एक क्या है? Daughter in law. P is brother in law ऑफ दी अबव मेंशन डॉटर इन लॉ, तो एक ब्रदर को हम पी मान लेते हैं। क्यू सिस्टर इज नॉट हैप्पी विद क्यूज वाइफ, क्यू की सिस्टर भी है और क्यू की वाइफ भी है, तो इसका मतलब क्यू ये हो गया। बट पी एंड हिज फादर, पी एंड हिज फादर सपोर्ट क्यूज वाइफ एस, पी और उसके फादर जो है, यानी कि ये फादर हो गए इनके, सपोर्ट एस, ठीक है जी, सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इसको। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास कौन रह गया है, आर, तो इसका मतलब ये आर हो गए, ये आपकी सिस्टर हो गई, ये दोनों ब्रदर हो गए, और ये डॉटर इन लॉ हो गई, ठीक है, ये सिस्टर हो गई, ये ब्रदर वन, ये ब्रदर टू, और ये फादर हो गए उनके। हेंस लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर्स, क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द डॉटर, तो डॉटर कौन है अपने पास, आर। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी का रिलेशन क्या है एस के साथ, पी का रिलेशन क्या है, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है, सेकंड ऑप्शन। हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी का रिलेशन क्या है क्यू के साथ, टी क्या लगते हैं, फादर लगे उनके, फर्स्ट ऑप्शन। हु इज वाइफ ऑफ क्यू, क्यू की वाइफ कौन है, एस, हेंस माय आंसर शुड बी व्हाट, थर्ड ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है आंसर्स का, दैट इज 3 2 1 3, लेट अस चेक द आंसर्स, 3 2 1 3 इज माय आंसर।
आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया है ब्लड रिलेशंस का। आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसका ध्यान रखिए, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, थोड़ा रीडिंग पे एम्फोसिस ले करिए क्योंकि इंग्लिश बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। वंस यू गेट द इंग्लिश करेक्ट तो डेफिनेटली आपके आंसर्स भी सही आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू माय व्यूअर्स, कीप ऑन वॉचिंग आर वीडियोज, कीप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।